ये देखो मम्मी अभी मम्मी हिसाब किताब कर रही है। गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों, आज हो रही है बहुत ज्यादा ठंड और साथ में बारिश भी हो रही है। दिखाती हूँ मैं आपको और आज का मौसम देखिए क्या हो रहा है, बारिश हो रही है झमाझम। पूरी सड़कें भीगी हुई हैं और ये देखिए कासू के उठने का स्टाइल। आजकल कौन सा वर्ड सीख रहा है तू? छू छू। गुड मॉर्निंग। और बाल मेरे बच्चे के ऐसे हो रहे झगाझक झगाझक। गुड मॉर्निंग बाबू। यहाँ से नहीं, यहाँ से निकलना है, वहां से नहीं, यहाँ से, यहाँ से आओ, वहां बंद है, यहाँ से आओ, इधर से, इधर से, ये खुला है, आ तोड़ दे तू मेरी मच्छरदानी। चल सॉक्सी पहनो पहले। हाई फाई दो, हाई फाई, हाई फाई। मैंने कासू के बना दिए हैं बाल हाथों से ही। देखो कासू कैसे जाएगी बात कर रही है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कासू भाई। का है भाई? कहाँ से सीखा तूने? और मैं बनाने जा रही हूँ आज मेथी का परांठा। मम्मी तो भर के बनाती है और मैं बना रही हूँ आटे के साथ गूंद के। तो ये मैंने थोड़ी देर रखा हुआ था ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे खा रहे हैं हम मेथी का परांठा। मैंने काशू के लिए बनाया छोटा सा परांठा। काशू खा रहा है, खा रहा है तो कि नहीं खा रहा है? ओह चून चून के ही खाओ, पर खाओ। ये रहा मेरा नाश्ता। हेलो दोस्तों, सोशल मीडिया आजकल एक एंटरटेनमेंट पर्पस हो गया है जिसमें आजकल आपको कुछ नया सीखने को नहीं मिलता है। यूट्यूब में अगर आप एक सवाल पूछो तो जवाब नहीं मिलता है, जैसे कि लॉटरी सा लग जाना होता है अगर कोई रिस्पांस कर दे तो। ऐसे टाइम में मैं आपके लिए डिस्कवर कर रही हूँ पंगोड़ी ऐप। यहाँ पर आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे आसानी से। बस यही नहीं, जिसमें आप ज्वाइन करके बहुत सारे फ्रेंड्स भी बना सकते हैं, साथ आप गप्पे लगा लगा कर बहुत कुछ नया सीख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोर्स करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, इसमें आप रोटी बनाने के साथ साथ पिज्जा भी बनाकर खा सकते हैं। पंगोड़ी ऐप की सबसे अच्छी बात है कि ये सिर्फ हम जैसी फीमेल्स के लिए है। पंगोड़ी एक अपना नया फीचर भी लाया है जिसमें आप एक्सपर्ट और ट्रेनिंग लाइव आकर आप सारी यूनिक चीजें सीख सकते हैं, जैसे कि बेकिंग, नेल आर्ट, क्विक नेल्स, कुकिंग, मेहंदी, डांस, टैरोट, स्किन केयर, पीटीसी, जिसमें आप अपने सारे क्वेश्चन पा सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। दिए गए लिंक से आज ही डाउनलोड कीजिए पंगोड़ी ऐप और मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको ये ऐप कैसी लगी। वैसे तो जनरली दोस्तों जो पकोड़े बनते हैं, जो बना रही है मम्मी, पीछे बताता हूँ आपको कि किस चीज के पकोड़े हैं। ये पकोड़े हैं उड़द की दाल के पकोड़े हैं, छिलके वाली उड़द के पकोड़े हैं ये। तो जनरली जो ये पकोड़े बनते हैं, ये बनते हैं किसी त्योहार में या फिर जैसे दिवाली आता है, जो देखा भी होगा आपने हमारे दिवाली वाले ब्लॉग में, तो तब ये पकौड़े बनते हैं। लेकिन जैसे कि अभी ठंड है और ठंड के टाइम पे सभी का मन कर रहा है पकौड़े खाने का, पहले ये हुआ कि हम आलू और प्याज के पकौड़े बनाएंगे, लेकिन मम्मी ने बोला कि नहीं पकौड़े बनाएंगे उड़द के। तो भैया इससे अच्छा और क्या हो सकता है, लेकिन मेहनत तो लगती है। लेकिन हाँ, तो मैं वही बता रहा था कि ठंड की वजह से ये पकौड़े बन रहे हैं। तो सफेद तिल हो गए थे खत्म, और जैसे कि आप जानते हैं कि उड़द की दाल के पकौड़ों के लिए सफेद तिल का होना कितना जरूरी है, तो बस उसी के लिए आ रखा हूँ नीचे में दुकान पे। तू मेरा सहारा है। तो मम्मी बहुत कम गाने गाती है, और मम्मी नहीं वैसे भी गाने बहुत गाती है, लेकिन जब भी मम्मी कुछ पकाती है तभी मम्मी गाना गाती है। तो मैं मम्मी कब से गाना गा रही थी, लेकिन मैंने परसों आने में लेट कर दी। और मम्मी की जब कुछ फेवरेट चीज बन रही होती है या फिर कुछ स्पेशल चीज बन रही होती है तो मम्मी गाना हमेशा गाती है। जब अपनी मर्जी खुशी से कुछ बना हो ना। हाँ। गीला हो गया वो थोड़ा सा। हाँ। मैं डालू ना सूजी। अच्छा गीला हो गया। हाँ। अच्छा सूजी डाल के करारा हो जाएगा। अच्छा जी, और हमेशा की तरह पकौड़ों के साथ में चाय यहाँ पे रख दी है मम्मी। चाय साथ में रख दिया। वैसे मम्मी आप कौन सा गाना गा रही थी, एक बार थोड़ा गुनगुना देगी? नदिया की
पैसे वाला तो उधार न दिया की आइए ना भूल हमें थे सामने। तो जब कभी मम्मी आगे गाना गाएगी तो जरूर आपको सुनाऊंगा। जादू लग रहा है कोई मिल गया का। जादू छू 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 कर दे फिर तो पूरा लगेगा जादू। फिर तो पूरा लगेगा जादू मिल गया छू छू मिल गया। अच्छा नाचने के लिए निकलवा रही थी बाहर। नची 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 ओ कांचो तो बन चुके हैं पकोड़े। कुछ पकोड़े बन चुके हैं और कुछ पकोड़े बनने बाकी हैं। आज हमें पहले मिल गए पकोड़े खाने के लिए। वैसे तो जन्म बहुत कम होता है जब फर्स्ट मिल जाता है। सही कह रही है। और बहुत कम क्या होता है वैसे जो हम सब लोग एक साथ खाते हैं मिलके पकोड़े। लेकिन आज क्या है कि मम्मी ने कहा कि चाय बन चुकी है तो गर्मा गर्म जो बन गए हैं पहले तो तुम दोनों खा लो और पीछे पापा खा रहे हैं। कासू कैसे दे रहा सॉस? इसको तो सॉस से मतलब है। सॉस से मतलब ये खुशी देख रहा है इसकी सॉस की। अब उंगली लगाई उंगली ला के सीधा मुंह में ये अब उंगली पूरी नहीं जा रही थी। अभी देखना इसको ये अब आप देखो दोबारा खुश होगी। खा ले बहुत अच्छा हो रहा है। मैं कह रहा हूँ मेरे लिए KFC का चिकन ये किसी कोई भी चीज इससे बढ़कर नहीं हो सकती क्योंकि ये इतना टेस्टी होता है। सीरियसली बहुत टेस्टी होता है बहुत अच्छा भी हो रहा है। इसीलिए बार बार वीडियो बनाने के बावजूद भी हमें मन करता है कि इस चीज को बार बार बोले क्योंकि ये इतना टेस्टी होता है। सही है इसीलिए काफी कम बनता है और खास त्योहारों पे बनता है। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि आज ज्यादा ठंड पड़ गई और हमें खाने को मिल गया। पापा कैसा लग रहे हैं? गजब बहुत बढ़िया। पकौड़े की बात याद आती है। बात तो सही कह रहा हूँ। तो यहाँ पे इसी अंजलि अभी चटने का वेट कर रही है अपनी। तो सेवा ने बोला पहले अपनी प्लेट में डाल दे तब आपको चटनी मिलेगी जिसमें से दो बार हम पहले ही खा चुके हैं। और सही बताऊं दोस्तों खा रही है। हाँ चटनी तो यही खा रही है ये पकौड़े नहीं खा रही चटनी खा रही है। अरे यार हाँ तो सॉस तो यही खा रही है बिल्कुल नहीं पकौड़े नहीं खा रही है सॉस ही खा रही है। और अभी दोस्तों इसको खाने के बाद खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। अभी बज रहे हैं 8:30 और बहुत से लोगों ने तो इस टाइम खाना खा लिया होगा। रात में जब सोता है ना इंसान तब ज्यादा वो लगता है पेट में फिर चूहे कूदते गुर 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 फिर मन करता है क्यों नहीं खाया होगा। कैसे कूदते गुर 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 तो मैं कुछ सोच रही हूँ हल्का फुल्का पुलाव बना लूंगी। पर मेरा मन तो बिल्कुल नहीं खाने का है। ऐसा होता है ना कि जब आप कुछ अच्छी चीज खा लेते हो तो उसके बाद फिर वो खाने का मन ही नहीं करता काफी टाइम तक कुछ भी चीज। कोई बात नहीं आपको अच्छा वाला पुलाव खिला देंगे। रंग रंगा पुलाव जो लास्ट टाइम बनाया था सीमा ने एक बार वैसा ही कुछ वही बना दीजिए। हमारे यहाँ तो क्या है कि ना हम जो खाना खाते हैं वो खाते हैं 10 बजे के आसपास ही 10 बजे कभी कभी 10:30 बज जाते हैं ना। तो हम खाते हैं 9 से 10 बजे के बीच में कभी भी टाइम मिलता है कभी भी टाइम मिल जाए। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप लोग डिनर कितने बजे कर लेते हो? सही बात क्या पूछा है आपने वहाँ। इससे पता चल जाएगा कि हम ही टाइम पे रहते हैं या आगे पीछे रहते हैं। हाँ, ये बात तो है। वैसे हमारा जो दिन का टाइम टेबल है वो बहुत बिगड़ा हुआ है। दिन का जो खाने का टाइम है और सुबह नाश्ते का सबसे ज्यादा बिगड़ा है नाश्ते का टाइम। फिर उसके अकॉर्डिंग दिन का बिगड़ गया। रात का हमारा ठीक है 9 से 10 मुझे ऐसा लगता है ठीक टाइम है 9 से 10। कभी बताऊंगी मैं आपको कि सुबह का नाश्ता हम कितने बजे करते हैं। कोई बात नहीं हमें जल्दी मालूम चल जाएगा कि जो हमारी वीडियो देखते हैं वो सब लोग कितने बजे उठते हैं और कितने बजे सोते हैं। वैसे तो मम्मी ने हम सबको खिला दिया पापा को भी खिला दिया है। ये देखो मम्मी अभी मम्मी हिसाब किताब कर रही है। माँ ऐसी होती है कि जो गरम गरम कर सबको खिला देती है और लास्ट में खुद खाती है। सब होती है मम्मी जाती है ना। सही बात है। मम्मी ने अपने लिए निकाल लिया है और लास्ट में ये बच गए थे 5 हैं तो ये 5 मम्मी कह रही है इनमें से 5 तुम ले लो। ये लो सीमा मम्मी ने तुम्हारे लिए पकौड़े भिजवाए हैं गर्मा गर्म पकौड़े। तुम्हें खा लो पुलाव भी तो खाना है। अब पुलाव नहीं खाना बाहर से कुछ मंगा लेंगे खा लो। बाहर से क्यों मंगाना कोरोना इतना फैल रहा है पुलाव बनाएंगे। अच्छा जी अरे एक तो खा लो पूछ ही रहे। वैसे मेरा मन तो कर रहा था कि ये मना करती रहे और मैं ही खा लूं इनको।
और अब देख लो नहीं अभी तो कुछ टाइम पहले कहती मुझे नहीं खाना और अब देख रही कौन सा मोर टाइम में से थैंक यू ये देखो गरम गरम खाओ ना तो दोस्तों आपको भी मन कर रहा होगा ये खाने का क्योंकि होता ही अक्सर हम किसी को देखते हैं ना तो फिर मन करता है खाने का तो इसके बहुत इजी स्टेप है और बहुतों को तो आता भी होगा ये बनाना तो खाइए इस ठंड में मजा लीजिए गर्मा गर्म पकौड़ों का। इतना हैवी खाने के बाद तो मैंने बनाया है रंग बिरंगा पुलाव। इसको हम थोड़ा थोड़ा एक एक गप्पा खाएंगे बस ज्यादा नहीं खाएंगे इसलिए कम बनाया। तो जैसे कि अभी सीमा ने कुछ देर पहले कहा था कि पकौड़ों से तो सीमा का पेट भरता नहीं है ऐसा नहीं है बनाया इसलिए मैंने बोला नहीं तो आवाज आती है रात में तो थोड़ा थोड़ा खा रहे एक एक गप्पा मेरे साथ होता है ऐसे सच में अगर मैं जैसे ना ऐसे तला हुआ खा लूँ फिर अवॉइड कर दूँ खाना कि नहीं नहीं खाना इससे पेट साफ हो जाता है। अच्छा। और जब रात को सोना तो एक बजे के करीब मेरे पेट में से आवाज आती है रात के एक बजे आती है करेक्ट एक बजे एक दो बजे आ जाती है। अच्छा आती जरूर है अंजलि का 12:30 बजे पापा कह रहे हैं और अंजलि की आती 12:30 बजे पापा सुन लेते हैं पापा आपकी कब आती है नहीं है अच्छा आपकी भी आती है सुबह 5 बजे पापा कह रहे 5 बजे चाय के लिए और चाय पीते पापा आंख बंद करके दोस्तों मैं जरूर दिखाऊंगी एक दिन ये बात बिल्कुल सही कह रही है बिल्कुल सही कह रही है पापा ये ऐसे बैठे रहेंगे और ऐसे चाय का गिलास दोस्तों मेरे पर एक आदत है सुबह 5 बजे चाय जान और वो भी कंचे आम मेरा बंद रहे चाय में प्याना हूँ 5 बजे सुबह चाय और बढ़िया चाय मत तुझे पता अदरक बढ़िया आम मेरा बंद रहे फिजरा पड़ा अब फिर मैं हो जाता हूँ बात। दोस्तों क्या आपने अभी तक पंगड़ी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है डाउनलोड कीजिए और अपना रिव्यू मेरे साथ जरूर शेयर करना। अब चाय पी के जागते हैं पापा चाय पीते पीते सोते हैं फिर उसके बाद दोबारा सो जाते हैं चाय पी के फिर उठते उसके बाद फिर पापा बोलते हैं चाय दो बार चाय मांगते दो बार पीनी होती तब जगते हैं पापा। तो फिर दोस्तों इसी के साथ हम करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड। आप लोग स्वस्थ रहें मस्त रहें और ठंड का यूं ही आनंद लेते रहें पकौड़ों के साथ में और आप भी जरूर पकौड़े खाएं। मिलते हैं जल्दी एक न्यू ब्लॉग में। गुड नाइट शुभ रात्रि दोस्तों भगवान सबकी रक्षा करे सब अच्छा करे बाय बाय। और तुम ऐसे ही खाते रहो और तुम्हारे पेट से आवाज ना आए 1 बजे और मोटे होते रहो। चलो बाय बाय।